केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भी शामिल थे। बग्गा ने कहा कि केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया है। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर इस देश की आजादी के बाद के सबसे बड़े नरसंहार का उपहास उड़ाया गया, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कहा गया कि हिंदुओं का जो नरसंहार पे जो कहानी बरसहार पे जो कहानी मुझे लगता है इस देश का 100 करोड़ हिंदू कभी इसको माफ करने वाला नहीं है। आज तक ये हिमाकत सोनिया गांधी ने 2007 में एक बारी कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, आज उस पार्टी का अस्तित्व नहीं बचा। तो ये अरविंद केजरीवाल जो आज ये कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ इस देश के हिंदू उनकी औकात बता देंगे। आज जो उन्होंने कहा है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उनको जीने नहीं देगा। हम तब तक अपने प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक वो इस देश के हिंदुओं से माफ़ी नहीं मांग लेते, ये कहने के लिए कि इस देश के हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था कश्मीर में वो झूठा था। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजिंदर सिंह बग्गा मांग कर रहे हैं कि माफी मांगी जाए, वरना भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन्हें जीने नहीं देंगे। संजय शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी एक रिपोर्ट भी अभी आपने देखी। संजय, अब ताजा सूरत हाल क्या है? क्या अब हालात काबू में हैं? पहले से बेहतर हैं? हुसैन, जो प्रदर्शनकारी थे भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, वो अब यहाँ से फिलहाल जा चुके हैं और पुलिस ने जो बैरिकेड लगाई थी वहाँ से पूरी आने जाने वाले लोगों पर सख्ती कर दी गई है। हालांकि 11:30 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था। पुलिस ने पहले से करीब सीएम हाउस से 200 मीटर की दूरी पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी और उसके बाद लगातार 3 बैरिकेड लगाए गए थे और तीनों बैरिकेड को तोड़ते हुए सभी कार्यकर्ता काफी उग्र थे प्रदर्शनकारी और यहाँ पर सीएम हाउस तक पहुंचे हैं और यहाँ पर आके उन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। संजय, जो मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आज प्रदर्शन था वो प्रदर्शन नहीं बल्कि केजरीवाल के घर पर एक तरह से हमला किया गया और सीसीटीवी कैमरे बैरिकेड तोड़ दिए गए। जरा आप तस्वीरों में दिखाएं कि कहां पर क्या क्या चीजें तोड़ी फोड़ी गई हैं और गेट का क्या हाल है, जरा वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम के जरिए ये कहा गया है कि असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बूम बैरियर है जो सीएम हाउस के गेट के ठीक बाहर है और ये बूम बैरियर सबसे पहले तोड़ा गया है। इसके बाद पीछे की जो तस्वीर है जहाँ पर ये गेट है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गेट के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ये कैमरा तोड़ा गया है, छेड़छाड़ की गई है कैमरे से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दूसरा, ये जो मेन गेट है सीएम हाउस का जो मेन गेट है इसको दूसरे कलर से कलर फेंका गया था इसके ऊपर और इसको फिर से दोबारा रीपेंट कर दिया गया है, यानी कि जो पहले जिस कलर में था उसी कलर में कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीएम हाउस का जो स्टाफ है ये यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवा कलर प्रदर्शन के दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर फेंका था। और इसी घटना को लेकर जो दूसरी तरफ आप दिखाना चाहूँगा कि ये जो दूसरा कैमरा है जो सीएम हाउस पे आने जाने वाले लोगों पर इस कैमरे से निगरानी रखी जाती है, इस कैमरे को भी तोड़ा गया है। और इसी जो पूरी घटना हुई इसके बाद जो है डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे हमला किया गया, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले थे उसकी जानकारी पहले से थी। हालांकि पुलिस का फेल्यूर जरूर कहेंगे कि चूंकि पुलिस ने जो व्यवस्था कर रखी थी प्रदर्शनकारियों को सीएम हाउस तक आने से रोकने के लिए वो जरूर फेल्यूर हुई है, चूंकि 3 बैरिकेड लगाए गए थे और तीनों बैरिकेड को तोड़ते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और जबरदस्त हंगामा किया है, अपना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन किया है। जी सर, तो क्या इस पूरे प्रदर्शन के बाद जिन लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, क्या कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया या सब प्रदर्शन करके लौट चुके हैं, सबको वहां से हटा दिया गया है? नहीं, प्रदर्शन के दौरान ही जब सीएम हाउस पे गेट तक जब कुछ लोग पहुंच गए थे कार्यकर्ता, उसी दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनको यहां से थाने ले गई है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई इसमें मामला दर्ज नहीं किया गया है और पुलिस उनको अभी थाने में रखी हुई है। चूंकि जो लोग भी बताया जा रहा है कि करीब 30 से 35 लोग थे जो सीएम के जो मेन गेट है घर का वहाँ तक पहुँच गए थे पुलिस का बैरिकेड तोड़ते हुए, उन सभी लोगों को पुलिस ने यहाँ से हिरासत में लिया है और यहाँ से लेकर चले गए। बाकी जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रदर्शन करने के बाद यहाँ से लौट गए हैं वापस। संजय, एक जल्दी से और रिएक्शन, क्या कोई रिएक्शन आपको अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला है, क्योंकि केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की जा रही है, क्या कोई पार्टी की तरफ से इस पर आपको रिस्पॉन्स मिला अभी तक? अभी तक इस मामले में पार्टी की तरफ से कोई बयान
नहीं आया है। हालांकि अब इस हमले के बाद डिप्टी सीएम जरूर कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये हमला किया गया है, जबकि भारतीय युवा मोर्चा का प्रदर्शन था और वही कार्यकर्ता यहां तक और एक मुख्यमंत्री का आवास जिसके पास लंबी चौड़ी सुरक्षा का इंतजाम होता है उनके गेट तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी और वहां लगा जो बूम बैरियर आप बता रहे वो तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं और आखिर सुरक्षा में तो चूक बहरहाल हुई है जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।